दरभंगा अजमेर दरभंगा विशेष ट्रेन का परिचालन हुआ प्रारंभ। DRM आलोक रंजन ने हरी झंडी दिखाकर इसको प्रारंभ किया। यह साप्ताहिक ट्रेन है दरभंगा जंक्शन से। यह सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को यहां से प्रस्थान करेगी। तो सीतामढ़ी बैरगनिया नरकटियागंज जयपुर होते हुए अजमेर पहुंचेगी। अजमेर से शुक्रवार को चलेगी और शनिवार को दरभंगा जंक्शन पहुंचेगी। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए DRM आलोक रंजन ने दी जानकारी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में रेलवे के पदाधिकारी एवं कर्मचारी थे उपस्थित। वहीं दरभंगा के सांसद ऑनलाइन ने भी संबोधित किया। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए DRM आलोक रंजन ने कहा। वहीं इस संबंध में यात्रियों ने भी अपना विचार रखा। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। दरभंगा जो है अभी फिलहाल स्पेशल ट्रेन दिया गया है, इतना मोबाइल के जरिए हम लोगों को मालूम हुआ। कल ही दरभंगा ही से हम लोग जो है क्या करते हैं, तत्काल टिकट दो बच्चे को भेज के जो है चार टिकट जो 10 की जगह पर 4 हमको मिला। जो है परेशान हो गए हम लोग कि क्या करेंगे ऐसी सूरत में। जो है नतीजा हुआ कि वो कहाँ से भेजे, ये भरवाड़े जाले जो है। अच्छा, भरवाड़े से हम लोग तो है बिलकपौना पंचायत से तालुक का मेरा। तो बहरहाल जो है बच्चे लोग खाने के बाद मोबाइल देख रहे थे, मोबाइल देखते ही देखते में कहा अब्बा जो है दरभंगा से अपने अजमेर के लिए स्पेशल ट्रेन है। हम लोग देखो उसमें सीट है, जल्दी से देखो जो है। तो देखा पूरी गाड़ी ही खाली है समझे, और फौरन बुक करो जो है। हाँ, वो टिकट तत्काल जो है तो आप वापस होगा नहीं उसको रद्द करो। उसके पटना जाने में तो 2500 रुपया हमारा ऐसे ही खर्च होगा जो है, तो बेहतर उसको छोड़ दो। अच्छा, तत्काल टिकट कहाँ से के लिए कटवाए? दरभंगा ही से लिए थे। कहाँ से जाने वाले थे आप? पटना से जयपुर। जयपुर जी हाँ। उसको रद्द करवा के? हाँ, रद्द कहाँ होता है तत्काल जो है। अच्छा हाँ, तो यानी ऐसे ही खत्म हो गया। आप जो है नया से टिकट लिए इसका जो है। कितना खुशी हो रहा है? बहुत खुशी है। कोई भी चीज़ जब घर में मिले जो है तो बेहद खुशी होगी। अच्छा, जयपुर क्यों जा रहे हैं? जयपुर वहाँ शादी समारोह में हम लोग जा रहे हैं। बच्चे हमारे ससुर साहब सास वगैरह सब वही रहते हैं जो है। अभी साला की लड़की की शादी है, वही में शिरकत के लिए हम लोग जा रहे हैं। हक्कर दसूर में करीब इंशाल्लाह वापस। क्या नाम हुआ? हसीबुर रहमान। पटना का टिकट, पटना का टिकट कटा रहे थे, कटाया था वहाँ से, उसको रिटर्न कर दिया और यहाँ से दरभंगा से जयपुर जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? ठीक है, बहुत अच्छा। घर से आ गया है तो अच्छा। क्या कार्यक्रम आज आज का जो कार्यक्रम था, राकेश, जो हमने नई ट्रेन चलाई है दरभंगा से अजमेर, इसमें हमने प्रायोगिक रूप से 4 फेरे के लिए चलाया है और आगे भी अगर इसका हमें सफलता मिली तो इसके बारे में विस्तार किया जाएगा। तो इसके प्रारंभ के लिए, शुभारंभ के लिए हमने सांसद महोदय को आमंत्रित किया था और उन्होंने अपना व्यस्त समय निकालते हुए हमें दिया। और मुझे उम्मीद है कि इस ट्रेन के चलने से यहाँ के लोगों को सीधा अजमेर तक और बीच के स्टेशनों पर सीधा जुड़ाव मिलेगा। स्पेशली ये हमारी सीतामढ़ी बरगनिया रक्सौल नरकटियागंज होते हुए गोरखपुर होते हुए मथुरा और अजमेर को जोड़ रही है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की कोई ट्रेन पहले नहीं थी जो अब इस तरह के जुड़ाव सीधे लोगों को यहाँ दरभंगा से मिलेगा। तो यहाँ के लोगों को बहुत सुविधा होगी और इस क्षेत्र का विकास और भी होगा। उस तरफ के लोग भी इधर डायरेक्ट आ सकेंगे। सप्ताह में कितने रोजे ट्रेन? एक बार चलाई गई सर, कुछ ही दिनों के लिए है। किस शर्त के लिए है? विस्तारीकरण होगा। यह इस तरह से होता है, प्रायोगिक रूप से हम पहले ट्रेन चलाते हैं, फिर इसकी समीक्षा की जाती है, फिर सक्षम अधिकारी इस पर निर्देशना करके फिर आगे लगाते हैं। मुझे लगता है आज तो करीब 500 ट्रेन टिकट्स हमारी सीपर क्लास में बिकी, थोड़ा एसी में कम है। मुझे उम्मीद है कि आगे के सप्ताह में और भी बढ़ोतरी होगी। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा आलोक अग्रवाल। जी हम ठीक है।